मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार में जो अभी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि पश्चिम बंगाल के लोग बिहार में बिना कोविड टेस्ट के नहीं आ सकते हैं। नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह से कोरोना के केसेस बिहार में घट रहे हैं और बंगाल में ज़्यादा हो रहे हैं, एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि वेस्ट बंगाल से जितने भी लोग आएंगे उनका कोविड का टेस्ट का रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में लॉकडाउन लगा 5 मई के बाद और लॉकडाउन बढ़ते गया और जब 25 मई को लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था तो नीतीश कुमार ने जब ट्वीट किया तो यही किया था कि बिहार में कोरोना के केस घटे हैं, अभी हम एक हफ्ते और एक्सटेंड कर रहे हैं कि बिल्कुल ही एक तरह से समाप्त हो जाए, कोई चांसेस ना हो कोरोना को दोबारा रफ्तार पकड़ने के लिए। और ये बहुत सही भी है, जैसे वेस्ट बंगाल ये पहले लागू कर चुका है कि अगर वेस्ट बंगाल में कहीं से भी कोई आते हैं तो उनके पास RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है कोरोना का। बिहार में भी अगर कोई भी वेस्ट बंगाल से अब आएंगे तो उनके पास कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ सिर्फ वेस्ट बंगाल से नहीं, हर जगह से आने वाले लोगों के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं और कोई दूसरे पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम भी असुरक्षित महसूस हो जाते हैं। ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग, जो उतने लोग सफ़र करते हैं, सबके दिल में डर होता है। अगर सबके पास कोविड रिपोर्ट होगा तो दिल की डर दूर हो जाएगी और वायरस एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल नहीं करेगा। बिहार में जिस तरह से कोरोना के मामले घटे हैं वो देखना अच्छी बात है, क्योंकि जहां 15,000 केसेस पहुंच गए थे अब 4,000 डेली केसेस आ रहे हैं, मगर अभी भी ख़त्म नहीं हुए। और ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि सभी लोग सेफ्टी का ध्यान रखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से बिहार में लोग आते हैं दूसरे जगह से, उनका भी जांच होना बहुत ज़रूरी है। अब नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि बंगाल से आने वाले लोगों के पास कोविड रिपोर्ट होना ज़रूरी है, मगर अभी शायद जैसे जैसे दिन बढ़ेगा बाकी स्टेट वाले लोगों के साथ भी ये लागू हो जाएगा। तो जो लोग ये वीडियो बंगाल से आने वाले हैं और वो देख रहे हैं तो उनको ज़रूरी हो गया है अब टेस्ट करवाना। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना महामारी पूरे देश को अपने जकड़ में ले चुकी है, उससे कोहराम मचा हुआ है और साथ में अब कोरोना के बाद तो फंगस भी अपने रूप बदल रहा है। समझ में नहीं आता, किसी दिन ब्लैक, किसी दिन वाइट, तो किसी दिन येलो फंगस मिलता है। अब फंगस की बड़ी वजह क्या है वो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई भी इंसान कोविड पॉजिटिव होता और 20-25 दिन से ज़्यादा वो बीमार होता और हॉस्पिटल में होता है, उसके बाद जिस तरह से उसके बाद उस पर ब्लैक फंगस अटैक करता है वो और डरावनी बात है, वाइट फंगस अटैक करता है, येलो फंगस अटैक करता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि कोरोना से बचे, दूसरों को भी बचाए। और जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने ये बड़ा अच्छा कदम कह लें लिया है कि अब वेस्ट बंगाल से आने वाले हर लोगों को उनके पास रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखने वाली बात है कि बाकी स्टेट वालों के साथ क्या होता है, मगर अभी के लिए यही न्यूज़ है। आप जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।